हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई रिसेंटली मतलब जो मैं जो शो फॉलो कर रहा था वो था समय रैना का प्रिटी गुड लेटेंट। तो भाई आजकल कॉमेडी की दुनिया में तहलका मचा रखा भाई समय रैना में। रिसेंटली मैं भी उनका प्रिटी गुड लेटेंट शो देख रहा था और लिटरली भाई वो बहुत ही फनी चीज है। तो आज भाई हम इस वीडियो में करने वाले हैं समय रैना का प्रिटी गुड लेटेंट शो का रिव्यू और साथ में उनके कुछ पुराने शोज या क्लिप्स जो भी उन्होंने स्टैंड अप्स करे थे उनको हम रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। आइए बिना टाइम वेस्ट करें करते हैं स्टार्ट इस रिव्यू को। तो अफसोस ये है कि मैंने जैसे ही सोचा कि मैं बता दूं वो इंसान कमिटेड हो गया उसी पॉइंट पे। तो महीप जी को पूछा क्यों आपने? अरे यार कोई अपनी एज का अरे यार नहीं कर रहा यार फालतू की लिखो 98 महीप जी ने किल कर दिया भाई। ये वैसे समय रहने का वो नहीं था, महीप जी का वो था। ये मतलब ये एपिसोड मैंने देखा नहीं और रिसेंटली मेरे को सुनने भी आ रहा था कि भाई नेक्स्ट लेवल था महीप जी वाला। कुछ ऐसे ऐसे पंचेस थे जिसमें से एक हम देख चुके हैं। नंबर लिखो, अब मैं ये बोलूंगा किसी को तो नंबर लिखो भाई 98 कॉमिकस्तान 3 में अप्लाई नहीं किया आपने? क्यों, क्या फायदा? समय रहना कॉमिकस्तान 3 हारा था ना शायद या जीता था, मेरे को पता नहीं। ये नहीं पता भाई, बन जाता भाई, देख फिर भी रोज बनाना पड़ा ना। किलसा हुआ है भाई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? है तेरा ट्रॉमा क्या है बता दे अब। क्या मामा ने छुआ है बचपन में कुछ? कुछ है ट्रॉमा भाई, क्या ट्रॉमा है? मेरे को पत्थर नहीं पड़े, पत्थर नहीं पड़े। वापस कम बैक। तेरी दाढ़ी थी ना इसलिए। समझ गया, उसने कमबैक दिया। समय रहना कमबैक में कमबैक दे रहा है। बट भाई ये कहाँ, ये ऐसी बातें कर जाते हैं। एक बार बंदा भी सोचे कि ये अब मैं ये कंटेंट पोस्ट कर सकता हूँ अपने चैनल पे या नहीं कर सकता। मामा ने हाथ नहीं लगा। How do you make money right now? No income right now. But trying my level best to, as you said, the singing is not that good. I'm trying to make career in singing. So hey, I never said it was not that good. I said it was bad. It was bad. That's why. Genuine, भाई, मैंने देख लिया ये बंदा no filter है। मतलब जो मन में आया वो बोल दिया। Office में एक scene होता है, इसमें सबको एक साथ उल्टी आ जाती है क्योंकि Pam को pregnancy होती है, वो कुछ खा लेती है। Everybody एक बंदा vomit करता है, उसको देख के दूसरा बंदा vomit करता है, तीसरा बंदा vomit करता है और सब vomit करने लग जाते हैं। How the podcast scene started in India? Yeah, right. ये बंदा पॉडकास्टर के शो में बैठ के पॉडकास्टर की बेइज्जती कर रहा। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ये क्या कर रहा हूँ भाई, दुनिया का हर बंदा कुछ ना कुछ बोलने से पहले सोचेगा कि भाई सामने वाले को बुरा लगे या ना लगे। बट समय रहना नहीं भाई, जेन्युइन बात है भाई। इंडिया में स्टार्टिंग मेरे ख्याल से पॉडकास्ट की 2-3 साल पहले, कोविड टाइम से पहले, मतलब बेसिकली जो शुरू हुए थे थोड़े बहुत पॉडकास्टर्स। और अब पॉडकास्ट का सीन ऐसा भाई, मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कोई भी पता नहीं किसी का भी इंटरव्यू लेने बैठा हुआ है। क्या चल रहा है भाई ये भाई। लेकिन इसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक पॉडकास्टर ही बन जाता हूँ। मैं भी 2-4 गेस्ट बुला लूंगा वहां पे बैठ के आराम से। क्या करना है, 4-5 क्वेश्चन पूछने हैं बढ़िया बढ़िया से, एक कॉन्ट्रोवर्सी वाले 2-3 पूछने हैं कि सामने वाला कुछ किसी और के बारे में कुछ ऐसा कमेंट करे और फिर उसके बाद आपका पॉडकास्ट हिट है। क्या अपना नेक्स्ट समय रहना मीम? फर्स्ट समय रिहाना, सेकंड मुर्गी जावेद, थर्ड मुझे रहने दिया, चलते रहना, डोंट इंटरप्ट। पहले ये मेरे को ये समझाओ, ये सलमान खान की एक्टिंग कर रहा था? नहीं तू हट। बट स्टिल मुर्गी जावेद। तो ज्योति जी क्या हुआ था ब्रेकअप में, ऐसा क्या हो गया? उसको थोड़ा आजकल चल रहा है ना, उसको इंटरेस्ट आया था मॉमीज में, तो नाउ ही इज डेटिंग अ 30-year-old वुमन एंड ही इज 23। व्हाट, मॉमीज का कहाँ चल रहा है आजकल ये? भाई चल रहा है ये सब मॉमीज का? कोई बात नहीं यार, बट दैट्स हाउ यू स्टार्ट। पहले बताओ मॉमीज बन जाती है? मैंने रफ्तार पाजी को सुन के शुरू किया था and I'm not buttering but हाँ Raftar bhai bhi is into mommies. yeah, for my age anyone I meet will be a mommy. can I make a request? मेरे को एक temporary stage name दे दो ना Raftar bhai please. बढ़िया से सोच के बताऊंगा पक्का, तेरा नंबर यही लिखा हुआ है। नहीं यार आप लोग फिर reply नहीं करते यार। आप लोग मतलब बड़े लोग तो आपके ex को reply कर रहे हैं भाई।
क्या अतरी होता है आजकल ऐसा कुछ मॉमीज का चल रहा है क्या? शायद कान लगा लिया एक बार आपको रिश्तेदारी निभाना नहीं पसंद रिश्तेदारी नहीं पसंद तो शादी किससे करोगे फिर भाई लिटरल बता रहा हूँ महीम जी भाई इस एपिसोड को उन्होंने ऑन करा समय रहना को ओवरशैडो कर रखा पूरा इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा फिर लोग कहेंगे कि कुछ शर्म आया है तो भाई फाइनली लिखा आ गया कि समय रहना को भी इसने रोस्ट कर दिया वो देख लेते हैं महीम जी को बोला था आप कब आ सकते हो कह रहे हैं मैं अभी आ सकता हूं या अगले महीने भी आ सकता हूं मैं कहा रिस्क नहीं लेते हैं दो दिन में ही छोड़ा दिया मैंने भाई सर महीम जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा सर सब सही चल रहा है आपके घर में रेफरेंस उसकी है कि जब इसने पूछा मम्मी कैसी है ये वो वाली रेफरेंस है पक्का लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ज़ोमैटो मैन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ज़ोमैटो बिकॉज़ ये एक सेकंड बस इसमें मेरे को ये याद है ये देखो अब ये जोमेटो के शो में गया था जोमेटो के किसी उस पे ये स्टैंड अप कॉमेडी की उसमें करने गया था नीचे बंदा स्विगी की टी शर्ट पहन के गया था जो मेरे को याद है ये मैंने देखा था बीच में बंदा जाके उतार के स्विगी की टी शर्ट निकाल रहा है रियली जैसे मैंने दीपेंद्र को बताया था कि मेरा कजिन गूंगा बहरा है झट से इनने उसको हायर कर लिया अपनी कस्टमर केयर टीम में जैनवान भाई यही होता है खाना ऑर्डर करने का कोई कंप्लेंट हो आपकी कंप्लेंट फाइल नहीं होती जोमेटो दोनों स्विगी दोनों का सेम हाल है भाई आओ देखिए नेक्स्ट क्लिप मिलकर बड़े जिन अभी जलन की आग में जले भूल गया भाई भूला सफल तो दूर ये मेरे साथ होता था स्कूल में भूल जाता था मैं अगर तुम साथ चले तो हम जीत जाए और तो लग पा गया तुमसे सीखे हम ये पीछे एंट्रोडेट खड़ा हुआ है क्या बॉडीगार्ड जो है इसको बोलते हैं एजिंग एजिंग किसे बोलते हैं एक बात बोलूं अगर याद है तो बोलते हैं फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में आपने दो लाइन कहा था कि विनर तो सब है जो परफॉर्म कर रहे हैं और लूजर वो है जो वहां पर देख रहे हैं सो के तो मैं सो के देख रहा था तो बहुत हिट हुआ वो लाइन फिर मैंने बोला मैं भी अप्लाई करूंगा परफॉर्म महीने भर पहले की लाइन याद है वो क्या करते हो आप गोरेगांव में ऑपरेशन असिस्टेंट साइबर सिक्योरिटी कंपनी में ये पता है बार-बार फॉरगेट पासवर्ड दबाता बट स्टिल भाई बंदे ने एफर्ट करा ट्राई करा ठीक है भाई उसके लिए पॉइंट्स हैं ऐसे मैं जनरल बता रहा हूँ स्कूल की कोई प्रेजेंटेशन या कुछ होती थी मैं मेरा भी यही हाल होता था अटक अटक के बोलता था और बाद में भूल जाता था क्या क्या बोलना मैं कुछ बोल ही नहीं सकता क्या कमी क्या है आपकी भाई ये बताओ मुझे 11th में साइंस 2 महीने पढ़ के 10th तो बहुत पचकन लगता ही है सबको अच्छा कॉमेडी आपका बैग भाई बंदा बहुत स्पॉन्टेनियस है बंदा जोक्स मारता कुछ तो भगवान ने दिया है भाई बराबर यूनिवर्स कांट गिव देम एवरीथिंग भाई यू आर रियली वेरी टैलेंटेड यार एक बार जोरदार ताली देना जी जी भाई एपिक मेक्स हिज ओन फ्लूट्स यू मेक योर ओन फ्लूट्स गरीब घर से मेरे लिए नहीं ऐसा दिखा रहा हूं मुझे लगा फ्लूट मिल यू वांट टू कीप इट यू कैन कीप इट ये मैं बजा सकता हूं बजा लो आपकी मर्जी नहीं नहीं वो पूछ रहा कि मैं बजा सकता हूँ बजा लो ये आपने बजाया तो नहीं है जी मैंने बजाया तो मैं नहीं बजाऊंगा फिर मैं झूठा नहीं बजाता एंड में डबल मीनिंग पे पहुंच चुका था और जेन्युइन बात है भाई ये बंदा जो इसका स्पॉन्टेनियस है ये बहुत बंदा मतलब हाथ की हाथ भाई पंचे साथ की साथ ऐसे ही है मैं भी गेमर फ्लीट बैठे भाई क्या गेमर फ्लीट आपका कोई भी एक फीमेल फ्रेंड का नाम बताओ जो किसी को नहीं पता मैं बता फीमेल नहीं नहीं बता मत दियो बता बता तू बता लिख दिया मैंने अरे बता दो लिख दिया ना बताएंगे नहीं बताएंगे ये पूरा ज्यादा दिन नहीं लगा जल्दी बताओ सबको हर्षिता 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 अगर मैंने सही बताया तो हर्षिता स्कूल वाले बच्चे आ गए बाहर कहीं और ही जा रहे मेरे भाई
भाई आप मेरे को समझ गए पॉर्श से लोग मरते कैसे। मैं जनरल बता रहा हूँ ये करंट इशू का भी कोई जो सीरियस इशू चल रहा होगा ना ये उसको भी ऐसे ह्यूमर में घुसा देता तभी लोग कहते हैं इसका कंटेंट नेक्स्ट लेवल डाल गया। टॉप फोर भेड़ों के खिलाड़ी प्लीज कम इन द सेंटर ऑफ द स्टेज। तो नंबर 15 ये शो भी होस्ट करेगा भेड़ों के खिलाड़ी। नंबर 14 वाघोली। नंबर 30 पिंपली सौदागर। नंबर 33 ये पुणे में कैसी कैसी जगह है पिंपली सौदागर बागेड़। ऑलराइट आई विल जस्ट बी बैक स्टे हियर फॉलो मी कैमरा। ये वो बन क्या है क्या द डिक्टेटर वाला। चार जगहें बोलूंगा मैं उनमें से एक जगह अगर आप जा पाते सवारी लेके तो कहाँ जाते। बानेर वाकड़ वाघोली या पिंपले सौदागर। पिंपले सौदागर पिंपले सौदागर वाला बाहर आओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कमेंट कर देना वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।